गोविंदा पुष्कर की मौत के मामले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि थरूर पर शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि घर के नौकर ने बयान दिया है कि शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर के बीच अक्सर लड़ाइयां होती थीं। इस मामले में शशि थरूर के खिलाफ सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करना चाहती है। पुलिस का मानना है कि पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के साथ शशि थरूर के रिश्ते थे। सुनंदा पुष्कर की मौत से पहले शशि थरूर और मेहर तरार के बीच की नजदीकियां सामने आई थीं। मेहर तरार को सुनंदा ने पाकिस्तानी आईएसआई का एजेंट भी बताया था। मेहर और सुनंदा के बीच हुए ट्वीट वार ने उस दौर में सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी थी। सुनंदा पुष्कर ने मेहर तरार पर गंभीर आरोप लगाए थे। मेहर तरार पाकिस्तान की महिला पत्रकार हैं और लाहौर में रहती हैं। थरूर और तरार की मुलाकात दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। सुनंदा ने मेहर तरार पर आरोप लगाया था कि जब सुनंदा इलाज के लिए गई थी तब मेहर तरार ने उनके पति का पीछा किया और उनकी शादी तोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने कुछ समाचार पत्रों से कहा था कि वह थरूर के कथित संबंधों को लेकर उनसे तलाक लेने के बारे में भी सोच रही हैं। पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार ने थरूर के साथ किसी भी तरह के संबंध होने से हालांकि इनकार किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार की शादी को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर कयास लगाए जाते रहे हैं। हालांकि मेहर तरार ने इन खबरों को लेकर फर्जी करार दिया है। उल्लेखनीय है कि शशि थरूर की पत्नी और मशहूर समाज सेवक सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक होटल में रहस्यमयी हालातों में मृत पाई गई थी। एसपीएन 9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।